हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो आपके पर्सन आपसे डरते क्यों हैं या फिर आपको डराते क्यों हैं, ये टॉपिक मैंने शॉर्ट में डाली थी, आप लोगों को पसंद आई। तो चलिए मैं डिटेल्स में रीडिंग करूँगी। आपके पर्सन डरते क्यों हैं या फिर आपको डराते क्यों हैं। थोड़ी सी टिपिकल टॉपिक है और कोशिश करूँगी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक हो जाती है। तो आपको भी चाहिए कि आप उसी रीडिंग को लें जो आपसे रेजोनेट करे, यानी कि आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ही आपका है। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है डजंट मैटर, क्योंकि एनर्जी रीड होती है। आपकी एनर्जी मस्कुलाइन भी हो सकती है एंड डेफिनेटली आपकी एनर्जी फेमिनाइन भी हो सकती है। तो एनर्जी पे आप फोकस करें, ना कि आप जेंडर पे फोकस करें। क्योंकि मेरे कमेंट्स में आप लिखते हैं कि लड़के को ये बोला जाता है, लड़की को ये बोला जाता है। मुझे मालूम है, लेकिन मुझे पता है जो ऑडियंस है वो मेल एंड फीमेल दोनों हैं। तो आप प्लीज़, मैं लड़की हूँ इसीलिए मैं वैसा बोलती हूँ, तो थोड़ा सा आप समझिए इस बात को। इंग्लिश नहीं है कि यू मेल के लिए भी यूज होता है, फीमेल के लिए भी यूज होता है, बड़ों के लिए भी यू यूज होता है एंड छोटों के लिए भी यू यूज होता है। तो ये इंग्लिश नहीं है, हिंदी में बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो इतना आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, समझिए इस बात को। तो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ एंड माय होली स्पिरिट प्लीज़ प्रोवाइड मी एग्जैक्ट एंड करेक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स से डरते क्यों हैं स्पिरिट, और या फिर डराते क्यों हैं, बॉसी क्यों हैं, क्यों बॉसी हैं, क्यों डरते हैं या डराते हैं। ये निकल जाएगा कि आपके पर्सन डरते हैं या डराते हैं। ओह माय गॉड, हेरोफेंट। तो पहले मैं कार्ड निकाल लूँगी, फिर मैं एक जनरल मैसेजेस दे दूँगी, उसके बाद ही मैं एक एक डिटेल रीडिंग करूँगी। द हेरोफेंट प्लीज़ स्पिरिट, मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो भी इस रीडिंग को देखने आए हैं, उनके पर्सन उनसे डरते क्यों हैं या फिर उन्हें डराते क्यों हैं, किस बात के लिए डराते हैं। डराने का नाम लिया नहीं और किंग ऑफ सोर्स आ गया। आप सोचिए, किंग ऑफ सोर्स को देख के मेरा माइंड थोड़ा सा क्योंकि किंग ऑफ सोर्स आपको पता है कि कैसे होते हैं, वो डराने वाले होते हैं, डरते नहीं हैं। अभी आपकी एनर्जी देखनी है कि, और उसके साथ हेरोफेंट भी आ गया। ये पर्सन डरने वाले नहीं है, डराने वाले हैं। अभी और कार्ड देख लेते हैं कि क्या है। तो प्लीज़ स्पिरिट, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन उनसे डरते क्यों हैं एंड डराते क्यों हैं स्पिरिट। ये देखिए, माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कैसी रीडिंग निकल के आई है। ना आप डरते और ना ही डराते हैं, आप दोनों एक दूसरे से डरते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को डराते भी हैं। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, दोनों जो है, मुझे हंसी रुक नहीं रही है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। आपकी एनर्जी देखिए, आज क्वेश्चन क्या रखा और क्वेश्चन के अनुसार कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, कि आपके पर्सन आपसे डरते क्यों हैं और डराते क्यों हैं। तो ये पर्सन आपसे डरते भी हैं, डेफिनेटली डरते भी हैं एंड डराते भी हैं, ये भी बात है, ये दोनों बात है इस पर्सन में। यानी कि आपकी जो रीडिंग है ये दोनों हो गई, और इसलिए मैं हंस रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन डरने वाले में से नहीं है, डराने वाले में से है। और ये भी बात तय है कि आपके पर्सन डराने वाले में से भी नहीं है, डरने वाले में से है। तो चलिए स्पिरिट, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गाइडेंस द सन। क्योंकि ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं कि मुझे तो माइंड ब्लोइंग, ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जो बहुत सारे जनता से जो है रेजोनेट करेगी ही करेगी, क्योंकि कार्ड्स ऐसे हैं। और ऐसी ही रीडिंग चाहिए, एक तरफा रीडिंग नहीं है ये, ये दोनों तरफा रीडिंग है, डरते भी हैं एंड डराते भी हैं ये पर्सन।
एडवांस। तो आपके पर्सन डरते क्यों हैं एंड डराते क्यों हैं स्पिरिट, या फिर डराते क्यों हैं? सेवन ऑफ कप्स, चलिए। तो यहाँ पे जो सारे कार्ड्स आए हैं वो टॉरस हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पर्सन आपसे डरते क्यों हैं, डराते क्यों हैं? तो डेफिनेटली मैंने एक रीडिंग और की थी कल या परसों की रीडिंग, तो जिसमें ये पर्सन जो है, कौन सी रीडिंग मैंने की थी, ये किंग ऑफ सोर्स ही आए थे और क्वीन ऑफ, कल की ही रीडिंग में मुझे किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स आई थी। तो डेफिनेटली आप दोनों जो हैं, आप दोनों ये रीडिंग जो है टॉपिक भले डरते एंड डराते का है कि डरते क्यों हैं या फिर डराते क्यों हैं, तो ये दोनों शामिल है आज की रीडिंग में। और आप दोनों जो हैं एक ही जैसे हैं, दो सिक्के, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही सिक्के में दो पहलू भी हैं, डरना भी है और डराना भी है, दोनों एक ही जैसे हैं। और कल ही की रीडिंग ऐसी ही थी, तो दोनों एक ही जैसे, सिमिलैरिटी जैसे हैं। तो आपके पर्सन आपसे डरते क्यों हैं, पहले डरने पे जाएं या डराने पे जाएं? क्योंकि आप दोनों जो हैं एक दूसरे के मेड फॉर ईच अदर हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं और दोनों एक दूसरे की नीड्स को समझते हैं एंड दोनों एक दूसरे को पकड़ते भी बहुत अच्छे से हैं, गलतियां पकड़ने में भी आप दोनों एक्सपर्ट हैं, दोनों इंटेलेक्चुअल हैं, दोनों प्रैक्टिकल हैं एंड लॉजिकल इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। तो आपके पर्सन आपसे पहले डराने में जाऊं या डरने में जाऊं, पहले मैं डराने में चली जाती हूं कि आपके पर्सन आपसे, आपके पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, देख सकते हैं। इनके ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ है, डेफिनेटली है, ये ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ जा नहीं सकते। मैरिज और अ कमिटमेंट लाइक अ लेगेसी है इनकी लाइफ की, मिस मैरिज में ये बिलीव करने वाले हैं, मैरिज इंपॉर्टेंट है इनके लिए और एक बार ये कमिटमेंट कर लेंगे तो किसी और की नहीं सुनेंगे, ऐसा इनका डीएनए है, डीएनए कि एक बार कमिटमेंट कर लिया तो किसी की भी नहीं सुनना है, वो कमिटमेंट निभाने वाले इंसान हैं। तो आपके पर्सन कमिटमेंट निभाने वाले इंसान हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, बॉसी इनका नेचर है, कंट्रोलिंग इनका इशू है ये कंट्रोल करना जानते हैं और जो भी समाज के बिलीफ सिस्टम है उन्हें फॉलो करने वाले हैं, अपने घर के रिचुअल्स सबको रेस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। अगर ये किसी पोस्ट पे काम करते हैं, काम में भी अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, हायर एजुकेटेड इंसान हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही स्मार्ट कह सकते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत स्मार्ट, बहुत लॉजिक माइंडसेट के, रैशनल माइंडसेट के हैं, हर एक चीज़ में लॉजिक चाहिए, हर एक चीज़ में फिलॉसफी चाहिए, हर एक चीज़ में जो है इनको फुल्ली रूप से इंटेलेक्चुअल लेवल पे, आईक्यू लेवल पे हर एक चीज़ को ये सर्च करते हैं, बहुत ही ग्राउंडेड भी है, ऐसा नहीं है कि ग्राउंडेड नहीं है, इनकी, इनका जो एक्सपीरियंस है लाइफ को लेकर, पार्टनर को लेकर, हर एक चीज़ में एक बिलीफ सिस्टम है। तो ये बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हैं, हर एक चीज़ के लिए इनके पास लॉजिक है, हर एक चीज़ के लिए इनके पास बिलीफ सिस्टम है और ये उसी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसी ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले इंसान हैं। अपनी बातों से, अपने ट्रेडिशन से ये पीछे नहीं हटते हैं, इतने ज़िद्दी इंसान कह सकते हैं, इतने ज़िद्दी इंसान हैं और जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती हैं उन चीज़ों को भी ये कट कर देते हैं लाइफ से, इतना शार्प होते हैं, बोलने में ये ब्लंट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन सच्चाई पसंद होते हैं, सच्चाई इन्हें पसंद है क्योंकि लाइफ में इन्होंने बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं जिसके वजह से ये पर्सन जो है बहुत एक्सपीरियंस है और
लाइफ के प्रति बहुत पॉजिटिव रहते हैं, इसीलिए एक्सपीरियंस होने के वजह से इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिसीज़न लेते हैं, लॉजिकल लेवल पे डिसीज़न लेते हैं, और इनके डिसीज़न जो है इस लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होती है। इनका सोसाइटी में नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी ज़रूर होता है, लोग इनकी बातों को सुनते हैं, लोग इनकी बातों को मानते हैं। तो आपके पर्सन आपसे आपको डेफिनेटली, अगर ट्रेडिशन की बात होगी, समाज की बात होगी, सोसाइटी की बात होगी, अगर आप वहाँ पे आप इन्हें रोकते हैं तो ये आपको कंट्रोल करेंगे, ये आपको कंट्रोल करेंगे। अगर आपने इनके ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ कुछ करने को कहा, इनके बिलीफ सिस्टम के ख़िलाफ़ कुछ करने को कहा, तो ये आपको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोलिंग इंसान है, क्योंकि इनका लॉजिक है, इनके बिलीफ सिस्टम है। समाज और सोसाइटी के अगेंस्ट ये जा नहीं सकते, जो दुनिया में चलता है वो उसे ही फॉलो करेंगे, और सोसाइटी लेवल पे जो सही है उसे ही फॉलो करेंगे। जो इनके संस्कार हैं, इनके संस्कार रूटेड संस्कार हैं, बहुत गहरे संस्कार हैं, बहुत वूंडेड हैं ये, लेकिन वॉरियर हैं, ये वॉरियर हैं। तो अपने बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अपने एक्सपीरियंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो चीज़ें लॉजिक वे में इन्हें सही लगती है वही करेंगे, इन चीज़ों में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ वो अपने बड़ों के लिए नहीं कर सकते हैं। मीन्स आपने अगर इनको कहा कि पेरेंट्स के ख़िलाफ़ शादी कर लो तो ये नहीं करेंगे, अगर आपने कहा कि ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ लव मैरिज शादी कर लो तो नहीं करेंगे ये, अगर आपने कहा कि चलो चोरी छुपके क्या होता है समाज और सोसाइटी, चलो शादी कर लेते हैं भाग कर, नहीं करेंगे ये। अगर आपने कहा कोई अगेंस्ट बातें जो समाज और सोसाइटी में नहीं चलता है, नहीं जाएंगे वो। इनको अपना रुतबा प्यारा होता है, इनको अपना नाम प्यारा होता है, जो समाज और सोसाइटी में इनका नाम है, इनको अपनी इज्जत, जिसको कहते हैं ना इज्जत प्यारी है, प्यार से ज़्यादा इन्हें अपनी इज्जत प्यारी है, प्यार से ज़्यादा इन्हें अपना नाम प्यारा है, प्यार से ज़्यादा इन्हें अपनी सोसाइटी प्यारी है, प्यार से ज़्यादा ट्रेडिशन प्यारा है, प्यार से ज़्यादा इनका लॉजिकल माइंडसेट प्यारा है। तो ये उस टाइम जो है आपको डिसअपॉइंट ज़रूर करेंगे, यानी कि ये आपको डराएंगे, कंट्रोल करेंगे, आपके खिलाफ जाएंगे, आपके साथ ये कोल्ड हार्टेड होंगे, यानी आपके साथ ये कोल्ड हार्टेड बिहेवियर करेंगे। अगर इनके पेरेंट्स ने कह दिया कि इस लड़की से शादी नहीं करनी है या इस लड़के से शादी नहीं करनी है, अपने ट्रेडिशन एंड बिलीव में नहीं बैठते हैं, अपना कल्चर जो है अलग अलग है, ये पर्सन नहीं शादी करेंगे, ये प्लेफुल में रहेंगे, आपको साइड से रखेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, आपको आपके साथ प्लेयर जैसा बिहेव करेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, अपने ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। तो वहाँ ये पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि आप जो है इनका नाम ना ख़राब करो, आप इनका काम ना ख़राब करो, आप इनके पेरेंट्स के अगेंस्ट ना जाओ, आप इनके ट्रेडिशन के अगेंस्ट ना जाओ, आप इनके सोसाइटी या कल्चर के ख़िलाफ़ ना जाओ, आप इनके हर एक चीज़ को मानो, चाहे वो कल्चर हो गया उसे भी मानो, चाहे इनके जो रिचुअल्स है उसे भी आप मानो, चाहे ये जैसा कहते हैं आप वैसा करो, जो सोसाइटी के नियम हैं आप उन्हें फॉलो करो। अगर आपके पर्सन मैरिड भी हैं, आप अनदर पर्सन से मैरिड हैं और ये भी कहते हैं कि प्यार करते हैं तुमसे सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, तो ये बस प्यार प्यार है, ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे उस टाइम। अगर मैरिड इंसान है तो ये अपने समाज सोसाइटी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, ये इतने क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही हेरोफेंट का है, तो ये बहुत रूटेड वूंडेड हैं, ये रूटेड हैं, जिद्दी हैं ये इंसान, अपने ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। और वहीं ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वहीं आपको ये कंट्रोल करेंगे। इस पर्सन में ईगो भी भड़ भड़ के है, जहाँ ये पर्सन आपको डोमिनेट करते हैं, आपके साथ बॉसी बिहेवियर करते हैं, माय वे और स्काई वे जैसा चलेंगे, मीन्स मेरे जैसा चलो तो ठीक है सारी चीज़ें, हम तुम्हारे साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, हम तुम्हारे साथ सिर्फ कंटेंटमेंट करेंगे, मैरिज नहीं करेंगे, जब हमारी मर्ज़ी होगी तभी हम कमिटमेंट में बंधेंगे, और वो भी ट्रेडिशनल मैरिज में बंधेंगे। ट्रेडिशनल मैरिज पेरेंट्स के रजामंदी से ही करेंगे, और जब तक पेरेंट्स नहीं मानते हैं तब तक हम शादी नहीं करेंगे, और जब तक
अगर पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, अपने समाज और सोसाइटी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, हम अपने नेम फेम प्रोस्पैरिटी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, तो हम तुमसे तो शादी नहीं करेंगे सनम, चाहे तुम मुझे बेवफा कहो, चाहे तुम मुझे धोखेबाज कहो, हम वो सब लेने को तैयार हैं, लेकिन हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो है, अगर मेरे हिसाब से रहना है तब आप वेट करो, इंतज़ार करो, उस टाइम का इंतज़ार करो कि जब पेरेंट्स मान जाए, जब हमारा समाज और सोसाइटी इस रिश्ते के लिए एग्रीमेंट दे दे, परमिशन दे दे, तभी हम तुमसे मैरिज करेंगे जानू, तब तक तुम मेरा वेट करो। अगर तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट होता है, अगर तुम्हारा हार्ट ब्रेक होता है, तो तुम कहीं अनदर चॉइसेस के ऊपर फोकस करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। अगर मैं ऐसा ही हूँ तो तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा, अगर ऐसे ही एक्सेप्ट करती हो तो मेरे साथ चलती हो, अगर मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करती हो तो फिर तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो ऐसा इनका नेचर है, ये बॉसी नेचर है इनका, और इस बॉसी नेचर में कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट ज़रूर होंगे, आप हार्ट ब्रेक ज़रूर होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इंसान प्यार भी उतना भर भर के करता है, लेकिन ये आपकी बात कुछ भी नहीं समझता है, आपकी कोई बात ये मानता नहीं है, आपकी कोई बात ये सुनता नहीं है, आपका कोई भी ध्यान रखता नहीं है, आपके साथ ये कोल्ड बिहेवियर करता है, आपका ना ख्याल रखता है, ना आपसे पूछता भी है कि तुम कैसे हो, कुछ नहीं करता है, सीधा ब्लॉक करता है, कोल्ड हो जाता है, पूरी तरह से कोल्ड शोल्डर ये दिखा देता है। आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आखिर इस इंसान के दिल में है क्या मेरे लिए, क्या ये इंसान सीरियस भी है या नहीं है, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं एंड डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर रहता है, क्योंकि आपको तब भी लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये पर्सन जो है आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये ऐसे ही हैं। अगर समाज और सोसाइटी के लिए आपका प्यार सैक्रिफाइस भी करना पड़ा तो ये सैक्रिफाइस भी करने के लिए रेडी रहेंगे, ये आपका साथ छोड़ने के लिए भी रेडी रहेंगे, यानी सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ ये करना चाहते हैं और करवाना भी चाहते हैं। अगर आप इनके साथ रहना चाहते हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करके रहिए, सेक्रीफाइस करके रहिए, तभी आप इनके साथ चलेंगे। तो अब चलिए देखते हैं कि अब ये पर्सन आपसे डरते क्यों हैं। तो ये आपसे इसीलिए डरते हैं क्योंकि ये पर्सन आपको हाईली स्पिरिचुअल इंसान देखते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान देखते हैं, कि आप जो हैं बहुत स्पिरिचुअल हैं, लाइक अ टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं, मीन्स आपने स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन वो फील करते हैं, डिवाइन के साथ आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड ज़रूर हैं, आपको हाईली स्पिरिचुअल देखते हैं, आपको हाईली ट्रेडिशनल देखते हैं, आपको वो वैसे ही देखते हैं जैसा ये मानते हैं कि आप भी ट्रेडिशनल और बिलीव एंड वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं, कभी भी अपनी मर्यादा का आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, आप अपनी मर्यादा जानते हैं, आप अपनी मर्यादा में रहना भी जानते हैं, आप हाईली एजुकेटेड होने के वजह से आप खुद बॉसी हैं, आप खुद जिद्दी हैं, आप खुद जो है मर्यादाशील इंसान हैं, ट्रेडिशनल इंसान हैं, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले आप इंसान हैं, मैरिज कमिटमेंट को इम्पॉर्टेंट देने वाले आप इंसान हैं, इसीलिए ये पर्सन आपसे डरते भी हैं, क्योंकि जितना ये जानते हैं ट्रेडिशनल ट्रेडिशन को जितना जानते हैं, रिचुअल्स को जितना जानते हैं, एंड जितना स्पिरिचुअलिटी को ये पर्सन समझते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप समझते हैं, कहीं ज़्यादा है। लाइक एक स्पिरिचुअल टीचर के जैसा देखते हैं, प्रोफेसर के जैसा देखते हैं, वो आपको हाईली जो है स्पिरिचुअल देखते हैं, वो आपको हाईली स्पिरिचुअल एंड हाईली समाज के बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले देखते हैं। ये पर्सन आपको स्माइल के जैसा देखते हैं, बहुत इनोसेंट नेचर देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो दिखते हैं वही हैं, आप सच्चाई पसंद इंसान हैं, सच्चाई में रहना आपको पसंद है, और आपकी एनर्जी बहुत फन लविंग है, लाइक अ सन की एनर्जी है, जिसमें हर एक लोग जो है
खुश रहना पसंद करते हैं, आपकी कंपनी में लोग इंजॉय करते हैं, आपके कंपनी में लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, ये पर्सन भी आपकी कंपनी में एनर्जेटिक फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपकी आपने उनके सोल को टच किया है, आपने उनके इनर चाइल्ड को हील किया है, कहीं ना कहीं आप उनके इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं, आप इनर चाइल्ड से उनके कनेक्ट हो जाते हैं। हाईली आपको रेस्पेक्ट देते हैं ये पर्सन, हाईली रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि जितना आपका नॉलेज है, जितना आपका एक्सपीरियंस है लाइफ के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति, प्रैक्टिकलिटी के प्रति, इमोशंस के प्रति, एंड डेफिनेटली एक मैरिड लाइफ हो या एक पार्टनरशिप हो, हर एक चीज़ में आप बहुत रेस्पेक्टिव आपका अप्रोच या प्रोस्पेक्टिव रहता है, यानी ये पर्सन जो है आपको हाईली रेस्पेक्ट भी करते हैं, पेडिलिस्टिक पे बिठा के रखते हैं, इसीलिए डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी जितनी इन्होंने जो गलती की है, जो भी इनका माइंडसेट है, इस माइंडसेट को अगर कोई रीड कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, आप इनके माइंड को पढ़ सकते हैं, आप इन्हें समझ सकते हैं, आप इन्हें समझ सकते हैं कि ये पर्सन जो है कंट्रोलिंग हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ के वजह से है, और उस ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ में आपने तो महारत हासिल कर लिया है, आप इनसे भी डीप जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है एंड ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ एंड रिचुअल्स का क्या मतलब है, समाज और सोसाइटी का क्या वैल्यूज़ है एंड उसके क्या संस्कार होने चाहिए या देने चाहिए समाज और सोसाइटी में। आप हाईली एजुकेटेड है, हाईली एक्सपीरियंस है, और ये पर्सन समझते हैं, इसीलिए डरते हैं क्योंकि आपके पास जितने सवाल हैं इसके इनके पास जवाब नहीं होते हैं, ये इमैच्योर इंसान है, सिर्फ ट्रेडिशन ऊपर से ये मुखौटा जिसको बोलते हैं ना मास्क पहने हैं कि हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, हम ये वो, लेकिन जितना आप एक्सपीरियंस हैं इसीलिए पर्सन आपको पेडलिस्टिक पे बिठा के रखते हैं, क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आप बहुत राइट चीज़ें जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी में राइट चीज़ें जानते हैं, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, और आपके सवालों के जवाब इनके पास नहीं होते हैं, आपसे नज़रें वो मिला नहीं सकते, आपसे डिबेट नहीं कर सकते, आपके आपने जो भी तकलीफ़ देखी है इस रिलेशनशिप में, आपने जो भी तकलीफ़ देखा है इस रिलेशनशिप में, आपने जितना वर्क किया है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं उसका रिग्रेट भी है, रिग्रेट भी होता है, इसीलिए वो डरते हैं, वो डरते हैं कि आप जो हैं इनसे दूर ना हो जाओ, आप जो कहेंगे ये सुनेंगे, आप डांट दोगे वो सुनेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप भी ब्लंट हो, आप डायरेक्ट हो, जो दिल में होगा आप कह दोगे, दिल में नहीं रखोगे, डायरेक्टली कह दोगे, भले इन्हें बुरा लगे, भले इन्हें जैसा भी लगे, आप सामने से बोल दोगे कि तुमने ऐसा ऐसा किया है जो मुझे नहीं पसंद है, मेरे सामने से हट जाओ, मेरे लाइफ से निकल जाओ, ये सुन लेंगे एंड डेफिनेटली वो सॉरी भी कहेंगे एंड फॉरगिवनेस भी चाहेंगे, अपॉलोजी भी करेंगे आपसे, लाइक अ एक्सेप्टेंस है इस पर्सन में आपको लेकर, कि आप जैसे हो वो आपको समझते हैं और वो जैसे हैं आप उन्हें समझते हैं, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप होने से पहले आप दोनों एक बेस्ट फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड मेड फॉर ईच अदर हैं, आप दोनों दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट, दोनों जो हैं एक जैसे हैं, लेकिन आप दोनों जो हैं सबसे ज़्यादा जो अपने रिश्ते में इम्पोर्टेंस देते हैं वो है बेस्ट फ्रेंडशिप को, फ्रेंडशिप आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके रिश्ते की नींव फ्रेंडशिप ही हो सकती है, आपका ट्रू लव जो है फ्रेंडशिप के बेस पे ही है, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे वो हैं, और दोनों एक दूसरे को समझते हैं, हर एक लेवल पर समझते हैं, तो ये पर्सन आपको समझते हैं और आप इन्हें समझते हैं, और दोनों जानते हैं कि दोनों की कैसी पर्सनालिटी है, दोनों ही डराते हैं, दोनों ही डोमिनेट करते हैं, और दोनों में ही एक्सेप्टेंस है, दोनों लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन फिर एक हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस है, इनर चाइल्ड है, इनर चाइल्ड, दोनों बच्चे जैसे लड़ते हैं झगड़ते हैं एक हो जाते हैं, सारे गुस्से को
मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं और फिर वो एक हो जाते हैं, वैसे ही आप दोनों कोल्ड शोल्डर रहते हैं, बातें नहीं करते हैं, महीने, दो महीने, तीन महीने, सालों बातें नहीं करेंगे, फिर से एक हो जाएंगे, लेकिन दोनों दिल और दिमाग, दोनों के दिमाग में एक ही इंसान चलेगा, वो आपके और आपके और आप उनके दिमाग में कंटिन्यूसली चलेगा, कंटिन्यूसली चलेगा, कंटिन्यूसली चलेगा, क्योंकि दोनों थिंकिंग मैन और थिंकिंग वूमेन है, मेड फॉर ईच अदर हैं। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ, दोनों के बिलीफ सिस्टम एक जैसे हैं, दोनों के ट्रेडिशन एक जैसे हैं, दोनों की जो माइंड सेट है ना एक जैसी है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से डरते भी हैं गलती करने पर, और दोनों एक दूसरे को डराते भी हैं, यानी डोमिनेट भी करते हैं, बॉसी ज़्यादा माइंड आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों जो है इंटेलेक्चुअल लेवल पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंपैटिबल फील कराते हैं, आप दोनों जो है कंपैटिबल पार्टनरशिप है, इमोशनली तो आप दोनों एक दूसरे से अटैच जरूर हैं, एक कंपैटिबल पार्टनरशिप जरूर है, एक ट्रू लव जरूर है, लेकिन आप दोनों जो है इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं, दोनों एक दूसरे के माइंड को समझते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ माइंड गेम जानते हैं, दोनों एक दूसरे के माइंड को रीड कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, दोनों के क्वेश्चंस का आंसर दोनों के पास होता है, तो ऐसे हैं। और डेफिनेटली आप जो हैं इस पर्सन को बहुत वैल्यू करते हैं, दोनों के दिल में प्यार है, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कंटेंटमेंट है, दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हैं, दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड है, दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ चाहते हैं, भले ही चीज़ें कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, दोनों के पास कितने भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ पकड़े हुए, हाथ लिए हुए इस जीवन के सफ़र में जो है आगे एक दूसरे का साथ देकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि दोनों जानते हैं कि दोनों का एक दूसरे में ही पोटेंशियल है, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो दोनों जानते हैं कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कहाँ एक्सेप्टेंस करना है और कहाँ डोमिनेट करना है, दोनों जानते हैं। तो मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी निकल के आई है, तो मैं क्या बोलूँ, मेड फॉर ईच अदर वाली, दोनों को जो है अपनी स्टेबिलिटी, अपना प्रैक्टिकल एंड रिसोर्सेस बहुत प्यारे हैं, नेम फेम बहुत प्यारे हैं, अपनी इज्जत बहुत प्यारी है दोनों को, तो जैसा आप दोनों का रिलेशनशिप का स्टेटस है, आप दोनों जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके एक्सेप्टेंस के साथ जो है, या फिर एक दूसरे का साथ देते हुए इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि एट ऑफ वैंस है, इंटेंसिटी है आप दोनों में, दोनों जैसे वो हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे का मिरर सोल है, यही वजह है कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे से डरते भी हैं लेकिन समझते ज़रूर हैं, एंड डराते भी हैं, क्योंकि वहाँ भी आप दोनों समझते हैं कि कहाँ एक दूसरे की वीकनेस को भी समझते हैं, एक दूसरे का स्ट्रेंथ भी समझते हैं। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।